How beautiful it was. If I would have the feelings of my own home. How beautiful it was. If I would have get chances to eat burger, pizzas, fruits, breads. How beautiful it was. If you share half of your bread with me. Yes, this is the voice of every poor, hungry and needy kid in the world. Kindly think about it. Think twice about it. When you fill your stomach with your desiring food, try to share half of your platter or one of your bread with them. They are asking for dollop. They need your donation. Help them. Help Mother Sadari herself. Thanks. Assalamu alaikum. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे. मैं आपकी लेक्चरर हिना सहरिश आज नए लेक्चर के साथ पेश खिदमत हूँ. दुआओं में याद रखिएगा. मेरा चैनल है यूट्यूब हिना लेक्चरर के नाम से, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता करे. आपका एक सब्सक्राइब बहुत सों की मदद कर सकता है, बहुत सों की इमदाद बन सकता है. बहुत शुक्रिया. आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा पारा सयकुलू और सूरत अल बकरा, इसमें जिहाद का ज़िक्र होने जा रहा है. जिहाद बिल माल भी होती है, जिहाद बिल नफ्स भी होती है, शैतान के साथ जिहाद भी होती है, जिहाद बिल सैफ भी होती है. तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर जिहाद का ज़िक्र फरमाया, यानी जहाँ पर जुल्म बढ़ने लगे, जहाँ हद से ज़्यादा तजावुज़ करने लगे, वहाँ आपने जिहाद के लिए अल्लाह और उसके रसूल की खातिर निकलना है, जुल्म को रोकने की खातिर. वो जुल्म चाहे आपके घर के अंदर हो रहा हो, वो जुल्म चाहे ज़ुबानी हो, वो जुल्म चाहे किताबी हो, वो जुल्म चाहे फेली हो, वो जिस तर्ज का भी जुल्म हो ना, अल्लाह ने उस तर्ज के जिहाद को पसंद फरमाया. तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुरहुम लकुम व अथा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुन लकुम व अथा अन तुहिब्बू शैअन وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم پر جہاد فرض کیا گیا گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو. اکثر ایسے ہوتا اس زمانے میں بھی, بہت سارے منافق مسلمان بھی تھے, بہت سارے منافق لوگ بھی تھے, اور جب وہ دین اسلام کے دائرے میں آئے تو بس ان کو عبادت और वज़ाइफ पढ़ना यही ठीक लगता था. ज़कात देने की जब बात आती तो साइड पर होने लगते, जिहाद करने की जब बात आती तो साइड पर होने लगते. तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया तुम पर जिहाद फ़र्ज कर दी गई है. जब ऐसी नौबत आ जाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ जाए तो तुम पर जिहाद फ़र्ज कर दी गई है. मुमकिन है तुम किसी चीज़ को बुरी जानो. बहुत बड़ी बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है. अक्सर ऐसे होता है कि हमारे वहमो गुमान में उस चीज़ के साथ भी इसको रेलिवेंट कर सकते हैं. जब ये पेश आई और रहती ज़िंदगी तक इस आयत करीमा को हम अपनी लाइफ के साथ मिला के रेलिवेट कर सकते हैं, वो ये कि अक्सर ऐसा होता है हम किसी चीज़ को बुरा जान रहे होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाता है, दरअसल वहीं तुम्हारे लिए भली हो, अल्लाह के नज़दीक वहीं तुम्हारे लिए भली हो. तुम उसे ना करना चाहो, अपनी लाइफ में ना लेके आना चाहो, लेकिन अल्लाह ने उसी में तुम्हारे लिए भलाई छुपा के रखी हो. और ये भी मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को अच्छा समझो हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो. हकीकी इल्म अल्लाह को है, तुम महज बेखबर हो. तुम्हें ये लग रहा है तुम बंद कमरे में बैठे रहोगे, अपने बच्चों के साथ बैठे रहोगे, खाओगे पियोगे, जिहाद में जाके क्या पैसे सर्फ करने, क्या अपनी मेहनत सर्फ करनी, और आलस ही खाई जा रही है तुम्हें. लेकिन याद रखना, मौत चाहे तुम सात पर्दों में छुप कर बैठो, तुम्हारे पास आकर रहेगी. तो अल्लाह से खूबसूरत मौत वो है, मांगने की इजाज़त नहीं इस्लाम में, लेकिन खूबसूरत मौत ये है कि अल्लाह के रास्ते में शहीद होकर इंसान जाए. और जहाँ पर जुल्म बढ़ जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कुदसी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैंने जुल्म अपनी ज़ात पर भी हराम कर दिया है, तो तुम आपस में कैसे जुल्म बर्दाश्त कर सकते हो.
जालिम सबसे बड़ा गुनाहगार है और उसको उस जुल्म को बर्दाश्त करने वाला मजलूम उससे भी बड़ा गुनाहगार है, तो आपने अपने हक के खातिर आवाज़ ज़रूर उठानी है। जब आप कोई बुराई देखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने इकदाम से रोको, अपने हाथ से रोको, अपनी ज़ुबान से रोको, कुछ भी ना कर सको तो उसे दिल में बुरा जानो, और ये ईमान का सबसे कमज़ोर पहलू है। तो आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है या सलूना का अनिशहरिल हरामी कितालिन फीही कुल कितालुन फीही कबीरु वसद्दुन अन सबीलिल्लाही वकुफ्रुन बिही वल मस्जिदिल हरामी व इख्राजु अहलिही मिनहु अकबरु इंदल्लाह वल फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल वला यज़लूना युकातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताउ व मन यरतद्द मिनकुम अन दीनिही फयमुतु वहुवा काफिरुन फाउलाइका हबितत अमालुकुम अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा वाउलाइका असहाबुन नार हुम फीहा खालिदून। तर्जुमा, लोग आपसे हुरमत वाले महीनों में लड़ाई की बाबत सवाल करते हैं। हुरमत के महीने चार महीने, जिसका मैंने आपको ऑलरेडी जिक्र मैंने एक लेक्चर में कर दिया हुरमत के महीनों का जिक्र, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें हुक्म दिया आपने लड़ाई नहीं करनी, किताल नहीं करना, आपने अच्छाई को फ़रोग देना है, भलाई को फ़रोग देना है, अच्छे काम करने हैं। तो यहाँ पर बात आ रही है, आप कह दीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब फरमाते हुए फरमाता है, आप कह दीजिए कि मैं कि इनमें लड़ाई करना बड़ा गुनाह है, अल्लाह हमें मना फरमा रहा है। इट्स अ बिगेस्ट सिन टू गेट क्वारल विद ईच अदर इन द मंथ्स ऑफ हुरमत, इन द मंथ्स, इन द सेक्रेड मंथ्स, द स्पेसिफिक सेक्रेड मंथ्स। लेकिन अल्लाह की राह से रोकना, अब अल्लाह की राह क्या है? जिहाद है। अल्लाह की राह क्या है? इबादत है। अल्लाह की राह क्या है? मस्जिद में जाना। अल्लाह की राह क्या है? ज़कात अदा करना। अल्लाह की राह क्या है? अच्छी बात को तरगीब देना। अल्लाह की राह क्या है? सलाम को आम करना। अल्लाह की राह क्या है? किसी की मुश्किल आसान करना, ख्वाह वो छोटा सा पत्थर ही क्यों ना रास्ते का हटा देना। तो अल्लाह के रास्ते से रोकना, उसके साथ कुफ्र करना और मस्जिद हराम से रोकना और वहाँ के रहने वालों को वहाँ से निकालना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गिनवा दिए, ये सारे अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़े गुनाह हैं। ये फितना कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी बड़ी बात फरमाई कि एक आदमी कत्ल हो गया, लेकिन ये कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। आप इसको पॉज करके, तो आगे फिर आता है, ये लोग तुमसे लड़ाई भिड़ाई करते ही रहेंगे यहाँ तक कि अगर इनसे हो सके तो तुम्हें तुम्हारे दीन से मुर्तद कर दें। मुर्तद होना क्या होता है? मतलब आप पहले मुसलमान हुए, फिर उसके बाद आपने किसी को देखा और उसने आपको बहका दिया अल्लाह के रास्ते से, और आप भटक गए और आपने दीन इस्लाम छोड़ दिया, तो मुर्तद। सूरत अल-इराफ़ में भी इनका जिक्र आएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के 70 या गालबन 72 बुज़ुर्गों को लेकर जब जाते हैं अल्लाह से माफ़ी मंगवाने, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ये ख्वाह अपने गर्दन उतार दें, मैं तब भी इनको माफ़ नहीं करने का। तो मुर्तिद की कोई माफ़ी नहीं, शिर्क जिस तरह से भी आप करेंगे उसकी कोई माफ़ी नहीं। और तुम में से जो लोग अपने दीन से पलट जाएं, मुर्तिद हो जाएं, यू टर्न ले लें इसमें और इसी कुफर की हालत में मरें, उनके आमाल दीनवी और उखरी सब गारत हो जाएंगे। ये लोग जहन्नमी होंगे और हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। अब यहाँ पर जिक्र आता है इन्नल्लज़ीना, आज मम्मा आप खुद आए हुए हो। अच्छा, इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हजरु वजाहदु फी सबीलिल्लाहि उलाइका यरजूना रहमतल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। अलबत्ता ईमान लाने वाले, जो ईमान लेकर आए अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको हुक्म दिया, उन्होंने लबैक या रसूल अल्लाह कहते हुए गए और जिहाद को आम किया, और हिजरत करने वाले, किसी पर रोज़ी तंग हो गई, किसी पर इबादत तंग हो गई, किसी के कोई मसाइल, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया हिजरत की। जब बात आती है तो अल्लाह की ज़मीन छोटी तो नहीं, तुम एक जगह छोड़ के दूसरी तरफ उसका नेमतों को रहमतों को तलाश करो। इसी तरीके से अक्सर भाई अक्सर बहनें
एक ही जगह पर आके स्टिक हो जाते हैं, भाई ठीक है उसके साथ हमारा नहीं हुआ, तलाक हो गई, किसी के साथ खुला हो गई, कोई बेवा हो गई या कोई रंडवा हो गया, तो कहते हैं बस जी हम दूसरी मर्तबा निकाह नहीं करते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया हदीस कुदसी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ऐसे लोगों की रूह कब्ज़ करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भेजेगा फरिश्तों को, तो फरिश्ते उनसे कहेंगे कि तुमने अपनी जानों पर खुद जुल्म किया, अल्लाह की मट्टी तो कम नहीं थी ना, तुम हिजरत कर जाते, तुम किसी दूसरे को पकड़ लेते, बेटा इसे उठा लो, दे देते, किसी दूसरे का हाथ पकड़ लेते, तो हिजरत करना, बुराई से अच्छाई की तरफ जाना सबसे बड़ी हिजरत है, हिजरत की बात होती है। हिजरत करने वाले अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले रहमत इलाही के उम्मीदवार रहें, मायूसी कुफ्र है, जो बुरा वक्त आता है उसको टालता भी मेरे रब करीम की ज़ात है। अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है, इसमें तो कोई भी शक नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो गफूर और रहीम हस्ती है कि जिसने फरमा दिया कि मेरे सिफाती नामों में एक मेरा नाम है रहीम, रहम करने वाला, रहमान। तो जब कोई मेरा बंदा गुनाह करता है ना, तो ये हवा मेरा सबसे ताकतवर अंसर है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये हवा अल्लाह से कहती है, अल्लाह अगर तू मुझे हुक्म दे तो मैं तेरे इस फाखिर बंदे पर बंद हो जाऊं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछता है, हवा क्या तूने पैदा किया मेरे बंदे को जो तू ये कह रही है? तो हवा कहती है, अल्लाह मेरी क्या औकात, मेरी क्या बिसात। फिर ये ज़मीन कहती है, अल्लाह ये जो फ़ख्र के साथ, ये अकड़ के साथ और ये तेरे नाफरमान बन के चलते हैं, अगर तू मुझे हुक्म दे तो मैं इन पर तंग हो जाऊँ। तो अल्लाह पूछता है, ज़मीन क्या तूने पैदा किया मेरे बंदे को? तो ज़मीन कहती है, अल्लाह मेरी क्या औकात, मेरी क्या बिसात, बेशक तू खालिक व मालिक है हम सब का। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, मैंने पैदा किया अपने इंसान को और मैं अपने इंसान की तौबा का इंतज़ार करूँगा। और अल्लाह ऐसे शख्स को महबूब रखता है जो बुज़ुर्ग होकर और ईमान की हालत में फौत हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी उम्र दराज मांगा करो, लंबी मांगा करो, ऐन मुमकिन है तुम्हारे कोई गुनाह की माफ़ी तुम्हारी बड़ी उम्र की वजह से, उसमें तौबा की वजह से हो जाए। तो बड़ी उम्र के बुज़ुर्ग और बाईमान बुज़ुर्गों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मोहब्बत है, और वो ऐसे आलम में जाते हैं कि उनके सारे गुनाह झड़ चुके होते हैं, धुल चुके होते हैं, और वो पाक साफ होके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास पेश होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत वफूर और रहीम, बख्शने वाली ज़ात है, कामिल यकीन रखें उसकी ज़ात पर। अल्लाह हमें कुरान पाक पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, दुआओं में याद रखिएगा, और हो सके तो मदरसा दार अरसल तफसीर व तजवीद व कुरान, जो कि एक सूप किचन भी है, जो कि एक शेल्टर होम भी है, आप इमदाद अगर करना चाहते हैं, आपका अगर दिल चाहे तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।